call me a god. उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे आप लोगों के। और आज मैं बनाने वाली हूँ मैक्रोनी, और बहुत आसान सी इसकी रेसिपी है। इसके लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, वो कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हमें मैक्रोनी चाहिए होगी बॉयल, लहसुन अदरक, टोमेटो केचप, थाइम, ऑरिगेनो, पेपरिका, बारबेक्यू सॉस, चिपोटले सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, कैबेज और अनियन, कैप्सिकम और थोड़ी सी चिकन। चलिए जी स्टार्ट दी रेसिपी। सबसे पहले जो है हमें ऑयल के अंदर अनियन डालना है और उसको अच्छे से फ्राई करना है, इतना सौते करना है कि जो है वो फ्राई हो जाए। फिर इसके अंदर जो है हम चिकन को ऐड करेंगे और उसको इतना फ्राई करेंगे कि वो वाइट हो जाए, और फिर उसके ऊपर जो है हम इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड कर देंगे। उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे एक मिनट तक, और फिर उसके बाद हम सॉस ऐड करेंगे। सॉसेस में हम सबसे पहले डालेंगे सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस। इन सबको डाल के हमें एक मिनट तक इसको अच्छे से पकने देना है। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे काली मिर्च। काली मिर्च ऐड करने के बाद हम इसके अंदर बाकी के जो सारे मसाले हैं वो भी ऐड कर देंगे, जैसे कि ऑरिगेनो, पेपरिका एंड लास्ट में जो है ये चिपोटले सॉस। इसको ऐड करके हम लोग अच्छी तरह पकने देंगे। ब्लैक पेपर ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से पका लेंगे, और फिर उसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक के साथ ही साथ हम जो है शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, और थोड़ा सा केचप मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप लोग जाएँ तो टोमेटो भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, और दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैबेज को ऐड कर देंगे। कैबेज ऐड करने के बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे, और फिर आखिर में जो है हम इसमें जो है बारबेक्यू सॉस ऐड करके इसमें सिंपल मैक्रोनी बॉईल की हुई ऐड कर देंगे। मैक्रोनी आप जो दिल चाहे ले सकते हैं, एल्बो शेल जो भी आपके पास उस वक्त अवेलेबल है आप वो लेकर उसको बॉयल कर लें और उसके अंदर ऐड कर दें। यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरी मैक्रोनी जो है बिल्कुल कुक हो चुकी है, इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एक साथ जुड़ चुके हैं, मर्च हो चुके हैं। और अब हम इसमें आखिर में ऐड कर देंगे चीज़। चीज़ मैंने मोज़रेला और चेटर दोनों लिए हैं, आप कोई एक भी ले सकते हैं, आप पिज़्ज़ा चीज़ भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो या जो आपको अच्छी लगती हो टेस्ट में, जो आपको पसंद हो वो आप इसमें ऐड कर दें अच्छे से। मैंने थोड़ी कम डाली थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ ही पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने थोड़ी कम ही ऐड की थी। आप इसमें बहुत ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। और फिर इसके ऊपर आखिर में मैंने थाइम्स को स्प्रिंकल कर दिया और चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करके इसको 15 मिनट के लिए ढक्कन लगा के जो है दम पे छोड़ दिया कि चीज़ जो है अच्छे से बिल्कुल मेल्ट हो जाए। ये देखिए गाइस कैसी खूबसूरत लुक निकल कर आई है मेरी मैक्रोनी की, मज़ेदार यमी सी। और आप लोग जैसे चेक कर सकते हैं इसका टेक्सचर, आप लोग अगर चाहें तो बहुत ज़्यादा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं इसमें। चलिए जी ये थी हमारी आज की रेसिपी रमज़ान सीरीज़ की जो हमारी चल रही है। माशाल्लाह पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और दूसरा अशरा स्टार्ट हो चुका है। उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है वो जल्दी से अभी के अभी सब्सक्राइब कर दें, ताकि उन तक भी मेरी जो है आर्ट क्राफ्ट व्लॉग्स एंड रेसिपीज़ पहुँच सकें, और वो लोग भी देख कर इंजॉय कर सकें और रेसिपीज़ को ट्राई कर सकें, क्राफ्ट को ट्राई कर सकें। चलिए जी मिलते हैं अब कल एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और मेरी तरफ़ से अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।